उज्बेकिस्तान में कफ सिरप पीने से गई कई बच्चों की जान। मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान में कफ सिरप से 18 बच्चों की जान चली गई। वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि जिस कफ सिरप को बच्चों ने पिया था वो भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी का कफ सिरप था। उज्बेकिस्तान में बच्चों की मौत का ये मामला उस घटना के बाद आया है, जब अफ्रीकी देश गाम्बिया में भी ऐसी ही दवा पीने से 66 बच्चों की मौत की खबर आई थी। उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि जांच में यह पता चला है कि जिस कफ सिरप को पीने के बाद 18 बच्चों की मौत हुई वो सिर्फ भारतीय दवा फर्म मैरियन बायोटेक लिमिटेड की है और वहां से निर्मित डार्क वन मैच कफ सिरप था। मंत्रालय के बयान के अनुसार लैब में किए गए एक टेस्ट में भारतीय कफ सिरप में दूषित एथिलीन ग्लाइकोल की उपस्थिति पाई गई। डार्क वन मैच कफ सिरप को नोएडा की मैरियन बायोटेक की ओर से तैयार किया जाता है। उज्बेकिस्तान में हुई मौतों को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि डार्क वन मैक्स कप सिरप का सेवन बिना डॉक्टर के पर्चे के और प्रभावित बच्चों द्वारा अधिक मात्रा में किया गया था। उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि समरकंद में ऐसे 21 बच्चे जो तीव्र श्वसन रोग से पीड़ित थे, उन्होंने नोएडा की मैरियन बायोटेक की निर्मित डार्क वन मैक्स सिरप का सेवन किया था। संभवतः उसी वजह से उनमें से 18 बच्चों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि मैरियन बायोटेक की डार्क वन मैक्स सिरप को कंपनी की वेबसाइट पर सर्दी और फ्लू के लक्षणों के उपचार के रूप में बेचा जाता है। उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान में कहा गया कि जांच में पाया गया कि मृत बच्चों ने अस्पताल में भर्ती होने से पहले इस दवा का 2-7 दिनों तक दिन में 3-4 बार सेवन किया। इसकी मात्रा 2.5 से 5 ml के बीच रही, जो बच्चों के लिए दवा की मानक खुराक से ज्यादा है। हालांकि बयान में सीधे तौर पर दवा में किसी तरह की गड़बड़ी का आरोप नहीं लगाया गया। मंत्रालय के बयान में आगे कहा गया, चूंकि दवा में मुख्य रूप से पैरासिटामोल है, जिसे माता पिता गलत तरीके से इस्तेमाल किया, या तो उन्होंने सीधे मेडिकल से इसे खरीद लिया या फिर ठंड विरोधी उपाय के रूप में इस्तेमाल किया। बयान के अनुसार लैब के शुरुआती अध्ययनों से इस सिरप में एथिलीन ग्लाइकोल की उपस्थिति मिली है। इस तरह की दवा का सेवन कुछ ज्यादा होने पर उल्टी, बेहोशी, आपेक्ष, हृदय संबंधी समस्याएं हो सकती है। भारतीय अंग्रेजी अखबार के मुताबिक उज्बेकिस्तान में बच्चों की मौत की खबरें आने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन उज्बेकिस्तान में स्वास्थ्य अधिकारियों के संपर्क में है और आगे की जांच में सहायता के लिए तैयार है। हालांकि डॉक्टर वन मैक्स की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैरियन बायोटेक और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस मामले पर अभी कुछ नहीं कहा है। इस साल की शुरुआत में गाम्बिया में भी 70 बच्चों की मौत की खबरें आई थी। देखो, हमें भी अफसोस है, कहते हैं अब किस वजह से डेथ हुआ, अभी जो है गवर्नमेंट यहाँ इंक्वायरी कर रही है, अंदर इन्वेस्टिगेशन है, जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो है, रिपोर्ट आने के बाद जो है सही चीज़ें मालूम होंगी। हमारे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने इससे पहले भी देखा था कि जाम्बिया में भी 70 बच्चों की डेथ हुई थी अभी की दवाई से, लेकिन उसने नहीं, हमारे मेडिसिन नहीं थे कोई, जो है तो जाम्बिया वाले कोई इशू नहीं है। 18 लोगों की मौत हुई है। उज्बेकिस्तान ने मैरियन बायोटेक के जो दवाई है डॉक वन MX उस पे रिस्पांसिबिलिटी दिया है। आपने गवर्नमेंट को अभी तक कुछ रिस्पॉन्ड किया है? गवर्नमेंट इंक्वायरी कर रही है, है ना, कहते हैं गवर्नमेंट का जो रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से रिएक्ट करेंगे। सैंपल कलेक्ट किया है? हाँ, गवर्नमेंट कर रही है, लगी प्रोसेस में लगी हुई है। हाँ जी, कलेक्ट किया है आपका? हाँ जी, इंक्वायरी कर रही है कि अब आप उस दवाई को नहीं बनाएंगे जिसमें सारे नहीं सारे डो दिए हैं, अभी जो है अंडर प्रोसेस में, कोई सेल नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है, जो मतलब जो है कहते हैं अब जो गवर्नमेंट हमारी तरफ से कमी नहीं, वहाँ क्या हुआ उस पर अब कमेंट नहीं कर सकते। कितने सालों से मेडिसिन आप वहाँ पर? हमारे हिसाब से करीब 10 साल से ऊपर हो गए। सील हुई है आपकी, ये कब कलेक्ट किया गया है सैंपल आपका, जो कब सिरप का सैंपल है जो रिमेनिंग? आई थिंक दो दिन पहले की बात हो गई है। दो दिन पहले। और आपको एक्सपोर्ट्स पर भी रोक लगाने के लिए बोला गया है? अभी कमेंट नहीं कर सकते, नहीं पता। मैं कुछ और मेडिसिन पे कुछ इंक्वायरी करने की बात की गई हो? नहीं, और कोई दवा की बात नहीं, कुछ भी कुछ भी नहीं। डेजिग्नेशन क्या है, नाम बताइए। मैं लीगल देखता हूँ, लीगल हसन हैरिस। नाम हसन हैरिस। हसन हैरिस जी, आप लीगल देखते हैं मैरियन बायोटेक के लिए? ग्रुप्स के लिए, लीगल स्पोक्स पर्सन है ग्रुप के लिए। And is seeking for the details of the investigation. And you would have also seen today from the health ministry comments that our drug regulatory authorities also, for at least last couple of days, are in touch with each other. So we are in contact, and here also internal measures have been initiated. So I think we are certainly contacting on that. Top Story Bureau के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।